हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न पे। तो जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये दिख रहा है आरआरसी जयपुर द्वारा आयोजित ग्रुप डी की परीक्षा का ये हल प्रश्न पत्र है। तो आप देख लीजिए कि भाई ग्रुप डी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्योंकि इससे आपको आगे आने वाले परीक्षा में काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो आया है वो है विसंगत कुछाटी है, जैसे सीता गीता रामायण महाभारत। तो यानी इसमें सीता जो है वो एक नारी है, उनका नाम है। बाकी गीता रामायण महाभारत जो है ये सब जो है ग्रंथ है, तो ये ऑटोमेटिकली छंट जाता है, विसंगत हो जाता है। उसके बाद से कुछ और है, रीनी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आइए चार नंबर देखते हैं, इनमें से कौन अलग है। जैसे कैंची, दर्जी, कुल्हाड़ी, लकड़ी, चाकू, सब्जी, घास काटने की मशीन, घास। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंची छंट जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है, चाकू से सब्जी, घास काटने के मशीन से घास काटी जाती है, लेकिन कैंची से दर्जी को नहीं काटा जाता है। तो यहाँ पे दर्जी ऑप्शन ही अलग होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस हैं, जिससे फ्लाइंग सी के नाम से कौन जाना जाता है, कौन खिलाड़ी है, सब पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, शुक्र वगैरह, ये सब देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस से क्वेश्चन रहेगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लिखने वाली पेंसिल में किस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबको जानते हैं ग्रेफाइट्स का, एड्स की बीमारी फैलती है वायरस से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी तो माधवराव सिंधिया, सॉरी वसुंधरा राजे सिंधिया ही हैं। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, जी हाँ दोस्तों 18 वर्ष। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहा है कुछ सालों से। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, असम। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हैं। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसका सहयोग रहा, राजा मोहन राय जी का। फिर कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है, कुछ मैथ है, यानी कहने का मतलब बहुत कम ही रीजनिंग और मैथ पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। आर्यभट्ट कौन थे, देखिए यहाँ पे खगोलविद एवं गणितज्ञ गुप्त युग में थे आर्यभट्ट। उसके बाद से फिर एक रीजनिंग क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आगमन पर लाला लाजपत राय जी घायल हुए थे, जी हाँ साइमन कमीशन के आगमन पर। तो इस तरह से बहुत सारे, बेनजीर भुट्टो कहाँ के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान की, सांबर झील कहाँ राजस्थान में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ प्रिपेयर रहिए अपने आगे के ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी इकाई जो है बच्चों के लिए काम करते हैं, तो यूनिसेफ है। पारावैज्ञानिक किरणों कौन अफसोस करता है, तो ओजोन मंडल है। तो इस प्रकार ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हाँ एक शब्द, एक क्वेश्चन आ रहा है ड्रिबल शब्द, तो ड्रिबल जी हाँ फुटबॉल से संबंधित है शब्द जो है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, जी हाँ दोस्तों तो ये सितार बजाते हैं। खाने का सोडा क्रम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, आप इन क्वेश्चन को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। शांति निकेतन की स्थापना, रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह, भारत श्रीलंका को पाक जल नंबर अलग करता है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जैसे पीतल मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का, जी हाँ दोस्तों ये सब, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप देख लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में जो है कि जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जल्द से जल्द मेरा लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुँचेगा और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।